अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल लाहौर। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए विजुअलाइजेशन वीएम वर्कस्टेशन प्रो 15 को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, और आज इसकी हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लिंक दिया हुआ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इस लिंक पे जाना है, ठीक है। इसको ओपन करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये फुल सेटअप आपने डाउनलोड कर लेना। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जो है ना आपके पास जिप फाइल में आएगा। तो इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। और साथ ही मैं अपना जो है ना एंटीवायरस उसको क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि वो क्रैक की फाइल्स डिलीट कर देता होता है। तो जो मेरा डिफेंडर है विंडोज़ का, उसे मैं ऑफ कर लेता हूँ। और ये ऑफ हो गया, ठीक है। ये अनजिप हो गया हमारा वर्कस्टेशन वीएम वेयर। ये बेसिकली वीएम वेयर हमारे पास इसलिए, ये सॉफ्टवेयर इसलिए होता है कि इस पर हम वर्चुअलाइजेशन मशीन्स, विंडोज़, लिनक्स वगैरह काफ़ी वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। आपने सेटअप ओपन करना, और ये हमारे पास सेटअप आ गया। इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट। इसको आप ये एग्रीमेंट जो है ये आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। इनहास कीबोर्ड ड्राइवर रिपोर्ट, ये एक फीचर है, अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो कर लें। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, या ना भी करें तो खैर है, ठीक है। ऐसे नहीं, मैंने कोई अपडेट्स नहीं चेक करनी और ना मैंने ये ज्वाइन करना है, मैं ऐसे ही इसको नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। इसी सेटिंग्स के साथ ही नेक्स्ट कर दें और इंस्टॉल कर दें। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो हम वापस मिलते हैं। ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये आपके सिस्टम की कितनी स्पीड है, कौन सा सिस्टम है, फिर उस हिसाब से ये इंस्टॉल होगा। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इसका क्रैक देखते हैं उसमें क्या क्या है। हाँ चलें, ये रीडमी है, इसमें एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। सिंपल सिर्फ कीजन को हमने यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर क्रैक करना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल है, इजी है जी। ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हम इसको फिनिश भी कर सकते हैं, और अगर अभी की इसकी एंट्री करनी है तो अभी से कर दें, ठीक है। मैंने इसको लाइसेंस पे क्लिक किया, मैं इसके फोल्डर में जाता हूँ क्रैक में, और की जन ओपन करता हूँ। ये जो हमारे पास की आ रही है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्रैक हो गया। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इस पर हम बहुत सारी काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ज़्यादा सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम पे हम वर्चुअल मशीन, ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं,
तो वो हम इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो वन बाय वन मैं हर तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके ऊपर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।